सलामुअलैकुम। डॉक्टर शुबाना खान वासी आपके सामने इस्लाम की फारिस लेके हाजिर हुए हैं। दौरा अल कुरान के सिलसिले में पारा नंबर 3 तिफ्तर रसूल और सूरह नंबर आले इमरान, सूरह नंबर 3 आले इमरान और रुकू नंबर 7 की तिलावत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसमें हमारे लिए क्या पैगाम भेजा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। وقالت طائفة من أهل الكتاب وآمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وآخره لعلهم يرجعون اور کتابیوں کا ایک گروہ بولا وہ جو ایمان والوں پہ اترا صبح کو اس پر ایمان لاؤ اور شام کو منکر ہو جاؤ شاید وہ پھر جائے اللہ ہو کر ولا یؤمنوا الا لمن تبع دینکم یقین और यकीन न लाओ मगर उसका जो तुम्हारे दीन का पैरव हो। कुल इन्नल खुदा खुदल्लाह और तुम फरमा दो कि अल्लाह ही की हिदायत हिदायत है। ऐ युदा अहदुम मिस्लु मा उतीतुम उ युहाजुकुम इंद रब्बिकुम यकीन का है इन तुम फरमा दो कि अल्लाह ही की हिदायत हिदायत है। यकीन का है का ना लाओ उसका कि किसी को मिले जैसा तुम्हें मिला या कोई तुम पर हुज्जत ला सके युहाजुकुम इंद रब्बिकुम या कोई तुम पर हुज्जत ला सके तुम्हारे रब के पास। कुल इन्नल फज़ला बियदिल्लाह तुम फरमा दो कि फजल तो अल्लाह ही के हाथ है। युतीही मईशा जिसे चाहे दे वला वासिउन अलीम और अल्लाह उस वक्त वाला इल्म वाला है। यख्तसु बिरहमतिही मईशाओ अपनी रहमत से खास करता है जिसे चाहे वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लि अज़ीम और अल्लाह बड़े फजल वाला है। वमिन अहलिल किताब मन इन तामनहु बेगिन तारी युवद्दिही इलैका और किताबियों में कोई वह है कि अगर तू उसके पास एक ढेर अमानत रखे तो वह तुझे अदा कर देगा। वह मिनहुम मन इन तामन हो बेदीनार इल्ला युवद्दिही इलैका इल्ला मा दुमता इलैही क़ाइमा और उनमें कोई वह है कि अगर एक अशरफी उसके पास अमानत रखे तो वह तुझे फिर ना देगा मगर जब तक तू उसके सर पर खड़ा रहे अलैहि कायम जब तक तू उसके सर पे कायम रहे। ज़ालिका बियन्नहुम क़ालू लैसा अलैना फिल उम्मीना सबीलुन व यक़ूलुना अलल्लाहिल कज़ब व हुम यालमून ये इसलिए कि वह कहते हैं कि अनपढ़ों के मामले में हम पर कोई मुआखज़ा नहीं और अल्लाह पर जान बूझ कर झूठ बांधते हैं। बला मन उफा बेअहदिही वत्तका फ़इन्न अल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन हाँ क्यों नहीं जिसने अपना वादा पूरा किया और परहेजगारी की और बेशक परहेजगार अल्लाह को खुश आते हैं। इन्नल लज़ीना यशरूना बिअहदिल्लाहि ईमानहुम समनन क़लीलन उलैका ला ख़लाक़ लहुम फ़िल आख़िरति वला يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم اور جو اللہ کے عہد اپنی قسموں کے بدلے ذلیل دام لیتے ہیں آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں اور اللہ نہ ان سے بات کرے نہ ان کی طرف نظر فرمائے قیامت کے دن اور نہ انہیں پاک کرے اور نہ ان کے لیے دردناک عذاب وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقَيْنِ يَلُونَ أَلْسِنَهُمْ بِالْكِتَابِ اور ان میں کچھ ہوا ہے جو زبان پھیر کر کتاب میں میل کرتے ہیں لَتَسْبُو مِنَ الْكِتَابِ وَمَاهُ مِنَ الْكِتَابِ کہ تم سمجھو یہ بھی کتاب میں ہے اور وہ بھی کتاب نہیں اور وہ کتاب میں نہیں وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے اور وہ اللہ کے پاس سے نہیں اور اللہ پر دید و دانستہ جھوٹ مانتے ہیں مَا كَانَ لِبَشَرِنَا يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي
من دون الله ولا قوم ربانينا بما كنتم تعملون الكتاب وبما كنتم تدرسون. किस आदमी का ये ही नहीं, किसी आदमी का ये हक नहीं कि अल्लाह उसे किताब और हुक्म पैगंबरी दे फिर वह लोगों से कहे कि अल्लाह को छोड़कर मेरे बंदे हो जाओ, हाँ ये कहेगा कि अल्लाह वाले हो जाओ इसमें सबब से कि इस सबब से कि तुम किताब सिखाते हो और उसी की तुम दर्स करते हो. वला यामुरुकुम अन तत्तखिज़ुल मलाइकता वन नबीयीना अरबाबन अय्यामुरुकुम बिल कुफ्रि बाद इस अंतुम मुस्लिमून. और न तुम्हें ये हुक्म देगा कि फरिश्तों और पैगंबरों को खुदा खुदा भिड़ा लो, क्या तुम्हें कुफ्र का हुक्म देगा बाद उसकी तुम मुसलमान हो लिए. अल्लाह हू अकबर. अल्लाह सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम. और किताबियों का एक ग्रोह बोला, वह जो ईमान वालों के उतरा सुबह को उस पर ईमान लाओ और शाम को मुनकिर हो जाओ. किताबियों के एक ग्रोह ने देखा कि इनकी तादादें बढ़ गई हैं और हम अपनी बातों में मात खा रहे हैं किताब होते हुए भी. तो उसके बाद उन लोगों ने कहा अच्छा ठीक है जाओ उनमें शामिल हो जाओ, सुबह को ईमान ला दो और शाम को फिर जाओ और यकीन ना लाओ मगर उसका जो तुम्हारे दीन का पैरू हो. कहा कि मगर उस पर यकीन ना करो क्योंकि वो तुम्हारे दीन का पैरूकार नहीं है. तुम फरमा दो कि अल्लाह की हिदायत हिदायत है. अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब से कहा कि तुम फरमा दो कि अल्लाह की हिदायत हिदायत है. यकीन का है न करना लाओ इसका कि किसी को मिले. और यकीन हिदायत भी वही देने वाला है अल्लाह को जैसा तुम्हें मिला या कोई हुज्जत आ सके तुम्हारे रब के पास. और तुम्हें जो किताबें हम खुद किताबें मुबीन मिली है उस पर किसी की हुज्जत नहीं है. तुम फरमा दो कि फैसला तो अल्लाह ही के हाथ में है. और उसके बाद से अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब ने फरमाया कि अल्लाह का फजलो करम है, वो जिसे चाहे हिदायत है जिसे चाहे और अल्लाह उसवत वाला इल्म वाला है और अपनी रहमत वाला है. अल्लाह बड़ा रहीम है करीम है मेहरबान है और उसवत वाला है, खास करता है जिसे चाहता है, वो जिसे चाहता है उसे अपना खास और खास बना के रखता है. और अल्लाह बड़े फजल वाला है और फजलो करम ये ताल्लुक होता है. किताबों में कोई वह है कि अगर तू उसके पास एक ढेर अमानत रखे तो वह तुझे अदा कर देगा. और किताब वाला वह है जो अमानतदार हो अमीन हो, यानी तुम उसके पास अगर अमानत देते हो तो उसमें खयानत ना करे बल्कि तुम्हें वो लौटा दे. और उनमें कोई वह है कि अगर एक अशरफी के पास अमानत रखे तो वह तुझे फेर कर ना देगा मगर जब तक तू उसके सर पर सवार ना हो जाए. और एक ऐसा किताबची है ऐसी किताब वाला एक है कि जो जिसके पास अमानत रखोगे तो अमानतदार नहीं होगा बल्कि तब तक तुम्हें नहीं देगा जब तक कि तुम उसके ऊपर लड़ने लगो. इसलिए कि वह कहते हैं कि अनपढ़ों के मामले में हम पर कोई मुआखज़ा नहीं है. और उसके बाद से जो दुनियावी आलिम होते हैं वो समझते हैं कि जो आम इंसान है वो अनपढ़ है इसीलिए उसको जिस तरीके से चाहे उस तरीके से घेर दो घुमा दो फेर दो और उनको जितना बेवकूफ बनाओ इसमें कोई मुआखज़ा नहीं है. और अल्लाह पर जानबूझ कर झूठ बांधते हैं और ऐसे लोग अल्लाह पर बहुत जानबूझ कर झूठ बांधते हैं. आजकल जाहिरी उलमाओं को देखिएगा भूत शैतान दुआ तवीज़ में लगे रहते हैं और उसके बाद से लोगों को झूठ कहते हैं कि हाँ किसी ने किया है धरा. हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं, उसके बावजूद भी इस तरीके से फरेब दे के और उसके बाद से उन्हें लूटते रहते हैं. हाँ क्यों नहीं, जिसने अपना उम्र पूरा किया और परहेजगारी की बेशक परहेजगार अल्लाह को खुश आते हैं. और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उन किताबचियों में से कुछ ऐसे भी हैं जो परहेजगारी को अपनाते हैं अपने नबी की बात पर चलते हैं और परहेजगारी अख्तियार करते हैं. अल्लाह के नजर में वो मुत्तकी हैं, अल्लाह उन्हें मुत्तकी बनाता है और उनसे खुश होता है. और जो अल्लाह के ओहद अपनी कसमों को बदले जलील दाम लेते हैं. और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि झूठी कसम खा लेते हैं पैसा लेके यहाँ से वहां गवाही देते रहते हैं तो उनपे भी अल्लाह की लानत है. आखिरत में उनका कुछ हिस्सा नहीं होगा और न उनके उनसे बात करें न उनकी तरफ नजर फरमाए क़यामत के दिन. अल्लाह तबारक व तआला झूठी कसमें खाने वाले झूठी गवाही देने वालों की तरफ क़यामत के दिन उनसे मुंह फेर लेगा और न उन्हें पाक करेगा और न उनके लिए उनके पास कुछ नहीं होगा बल्कि दर्दनाक अजाब उनके लिए है. और इनमें कुछ वह हैं जो जुबान फेर कर किताब में मेल करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो तर्जुमा किए. बहुत सारे ऐसे भी मुहदिसीन गुजरे जिन्होंने तर्जुमा किया और उसमें फेर बदल किया. इसीलिए आप देखेंगे कि जिस अगर देखिएगा अशरफ अली थानवी का तर्जुमा अलग है और उसके बाद से अहमद रजा का तर्जुमा अलग है
और बहुत सारे लोगों ने तर्जुमा किया, सबके तर्जुमाओं में इसी तरीके से, तो ये तो मानना ही पड़ेगा कि कलाम पाक के अंदर तो तर्जुमा कहीं कैसे हो सकते हैं, यानी कहीं ना कहीं उसमें मिलावट की गई है। हमें हक जानने और हक जानने की तौफीक अता फरमाए कि तुम समझो ये भी किताब में है और वो भी किताब में नहीं, वो कहते हैं ये अल्लाह के पास से है और वो अल्लाह के पास से नहीं है। और आप देखिएगा कि बहुत सारी ऐसी हदीसें हैं जैसे हाँ सारी इसका जिक्र आया था, तो उसके बाद से एक जाहिरी उलमा ने आम आवाम जो हमारी महफिलों में आए थे जब गए तो उनसे कहा कि ये सब नहीं है, जबकि हाँ सारी मुस्तकीम ये हदीस कुदसी। तो बहुत सारी ऐसी हदीसें हैं जैसे मन कुन तो मौलाहू ये हदीस कुदसी है, लेकिन बहुत सारे ज़ाहिरी उलमा ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं ये ज़ईफ़ हदीस, इसे नहीं माना जाएगा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, हदीस कुदसी को ज़ईफ़ कह के झुटला दिया जाए ये कैसे हो सकता है। तो उसी तरीके से हर दौर में लोग गुजरे हैं, अल्लाह के पास से है और वो अल्लाह के पास से नहीं, और अल्लाह पर दीदा दानिश्ता झूठ मानते हैं, और ऐसे लोग जान बूझ के अल्लाह के नाम से वाबस्ता करके झूठ मानते हैं। किसी आदमी का ये हक नहीं कि अल्लाह उसे किताब और हुक्म पैगंबरी दे और फिर वो लोगों से कहे कि अल्लाह को छोड़ कर मेरे बंदे हो जाओ अल्लाह होकर अल्लाह होकर। अल्लाह तबारक व तआला ने हर पैगंबरों पे भी कहा कि मेरी तरफ से जो भी मैं तुम्हें हुक्म रबी देता हूँ वो आम आवाम तक पहुँचाओ और वही खबरों तक पहुँचाओ और बंदों को मुझ तक पहुँचाओ, यानी हर किसी को अपने अंबिया और असलिया से होते हुए अल्लाह तक ही पहुँचना है, अपने तक नहीं रोकना है, कोई हमारा बंदा नहीं होता, कोई बहुत सारे पीर ऐसे कहते हैं हमारा बंदा है नहीं, वो आपके जरिए उन्हें एक रस्सी मिली है, एक हबल है आप अल्लाह की भेजी हुई और आपके जरिए उसे अल्लाह तक पहुंचना है। कलाम में बात में भी है कि अल्लाह कहता है मेरी भेजी हुई हबल को बस के थाम लो फिर को मिना बटो। तो इसीलिए आम आवाम के लिए अंबिया और या असलिया इतिया जितने भी हैं वो हबल का काम करते हैं, उस रस्सी को थामे रहोगे, ये एक रस्सी है अंबिया और या असलिया इतिया ये सब एक अल्लाह की भेजी हुई रस्सी है, इसे कस के थाम लोगे तो अल्लाह तक पहुँच जाओगे, अल्लाह पर पहुँच जाओगे। कोई भी अंबिया औलिया और असलिया इतिया ऐसा नहीं होता जो किसी को कह दे कि तुम मेरे बंदे हो, कहता है अल्लाह के बंदे हो और अल्लाह की तरफ रागिब करता है और उसे हुक्म रबी की सुनाता है। हाँ ये कहेगा कि अल्लाह वाले हो जाओ और इस सबब से कि तुम किताब सिखाते हो और उसे कि तुम उसे दर्ज करते हो, और हर अंबिया औलिया असलिया इतिया जो जिस दौर में भी आया है अपने अपने तरीके से आम लोगों को दीन सिखाया है और अल्लाह की तरफ बुलाता है और उसके बाद उसे दर्स देता है, किताब और कुरान और हदीस से साबित करता है कि देखो ये चीजें कलाम पाक में है, ऐसा ना करो ऐसा ना करो ऐसा ना करो और ऐसा करो, यानी राहे हक की तरफ उन्हें रागिब करता है बुलाता है। और न तुम्हें ये हुक्म होगा कि फरिश्तों और पैगंबरों को खुदा भिड़ा लो, क्या तुम्हें कुफ्र का हुक्म देगा बाद उसकी कि तुम मुसलमान हो लिए हो। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा रहे हैं कि हक की तरफ रागिब होने के बाद कोई इंसान फिर नहीं सकता है, ना अल्लाह की किताब से, ना उसके पैगंबर से, ना उसके अंबिया से, ना औलिया से। और उसके बाद से ईमान एक बार हो गया तो मुकम्मल हो जाता है, ईमान मुकम्मल हो जाए तो मुसलमान हो जाएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रुकू में। यानी हमने देखकर रसूल के आले इमरान के सातवें रुकू में हमने ये जानने की कोशिश की है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है कि अल्लाह के हदीस और कुरान में मिलावट नहीं करना है और कोई बात छुपाना नहीं, जमाना बैरी हो जाए और उस वजह से हमारी गर्दन कलम कर दे खाल खींच ले, लेकिन हक जानना है, हक बोलना है। और वारिस पाक आल बना ने कहा मेरे नानी के आशिकैन की गर्दन अब कलम ना होगी, वो हर लिबास होगी नहीं करेगा, हक जानेगा हक बोलेगा, और अगर कोई फतवा लगा के गर्दन कलम करने की कोशिश करेगा तो उस खंजर पे मेरा हाथ होगा। यानी गर्दनों की जमानत वारिस पाक आल बना ने दे रखी है आले रसूल जो इस वक्त के वारिस हैं उन लोगों, उन्होंने अपने नाने के आशिकैन सिर्फ वारसियों की नहीं अब तमाम मजहूब मिलत से आप ताल्लुक रखें, लेकिन आप हक परस्त हैं तो आप वारसी हैं और उसके बाद से आपके गर्दनों की जमानत वारिस पाक आल बना ने दे रखी है। और हिस्ट्री उठा के देख लीजिए कि इतने सालों से 119 साल हो गया किसी की गर्दन कलम नहीं हुई, पहले हुआ था मंसूर अलैहि रहमान सारे मास इन लोगों की गर्दन कलम हुई थी, किसी की खाली खींची गई थी, लेकिन इस दौर में ऐसा नहीं होता क्योंकि गर्दनों की जमान हमारी हो गई है, इसीलिए हमें हक जानना है और हक बोलना है और मुखालिफत से नहीं डरना है, क्योंकि
जो अल्लाह वाले होते हैं वो बेखौफ होते हैं और किसी तरीके का डर नहीं करते हैं। और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का कौन है कि हुसैन होने के लिए आज़ाद और बेखौफ होना चाहिए। तो या हुसैन, हम हुसैन, मौला हुसैन, दादा हुसैन, हम हम।